गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं NIOS के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी लेसन 4 जो कि मॉड्यूल 2 इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड इश्यूज से है, इसको आज डिस्कस करूंगा। मैं राजीव कुमार विश्नोई, लेक्चरर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गांधीनगर दिल्ली से हूँ, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। पहले ये वर्ड इकोलॉजी लेते हैं। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट ने कॉइन किया है और ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इकोस मींस होम और एस्टेट यानी घर, लॉगोस स्टडी ऑफ, दैट मींस एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो कि ऑर्गेनिज्म की उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्शन और ऑर्गेनिज्म्स का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करता है। दैट मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फेयर, ये एक एक लेवल अभी आगे हम लेंगे, क्योंकि यही एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम को। जो हमारा बायोस्फेयर है इसमें यूनिट जो है बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करती है ये हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म है और यही बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की, और उसके बाद एक ही स्पीशीज की जो एक ग्रुप है वो जो कि ये एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन इकोसिस्टम जो इकोलॉजी है इसमें हम बहुत सारी पॉपुलेशंस को स्टडी करेंगे जो कि एक साथ रहती हैं। जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज़ हैं और ये आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं, तो ये सब जो सो मैनी पॉपुलेशंस किसी ज्योग्राफिकल एरिया में हैं ये कहलाती हैं कम्युनिटी। इसके बाद जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है किसी भी एनवायरनमेंट में, दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो कम्युनिटीज़ जो हैं उनका आपस में तो इंटरेक्शन है, लेकिन साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट से भी है, अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी है। ऐसा कोई अगर कोई सेल्फ सस्टेन्ड अपने में कंप्लीट एक सिस्टम, उसे हम कह देते हैं इकोसिस्टम। और बहुत बड़ा अगर साइज का इकोसिस्टम है जिसमें बड़ी बड़ी काफ़ी एक कम्युनिटी होती है, जैसे उसमें बहुत बड़ा एरिया है वेजिटेशन का और एनिमल पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है एसोसिएटेड, जिसे हम फौना कहते हैं, तो वो अगर एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रीजन में है तो तब उसे हम कहते हैं बायोम। बायोस्फेयर जो है ये सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स है। जैसे अर्थ हमारा जो प्लेनेट है इस पर वो सारा पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है जहाँ पर लाइफ फॉर्म्स हैं,
और या फिर कह लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ, यही बायोस्फीयर है। अब एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है वो उसकी हैबिटेट है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, यानी लैंड वाली, या फ्रेश वाटर की हो सकती है, ओशन वाली, महासागर वाली हो सकती है। और इनके फ्रेश वाटर ओशन के बीच में एक जहां पर रिवर वाटर मिलता है ओशन से, तो वहां पर सेलाइनिटी इंटरमीडिएट होती है, उसे एस्चराइन कहते हैं। तो ये मेजर हैबिटेट्स होती हैं। इसके अलावा नीश, अगर किसी हैबिटेट में आप ऑब्जर्व करते हैं तो कोई स्पीशीज अकेली तो है नहीं, वहाँ पर और भी स्पीशीज हैं, रिसोर्सेस कॉमन हैं, तो अपने बेटर सर्वाइवल के लिए उनके ख़ास तरह के बिहेवियर होते हैं, उनके ख़ास तरह के फंक्शंस होते हैं विद इन हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कोई पॉन्ड है, उसमें कुछ फिश ऊपर के वाटर के लेवल में, सरफेस वाटर में ज़्यादा फीडिंग करती हैं, कुछ बॉटम में, कुछ बीच में, ये उसकी फीडिंग हैबिट हो गई। मेट के लिए भी उनका पर्टिकुलर विद इन हैबिटेट एक एरिया होता है, जोन होता है। तो जो इनके स्पेशल बिहेवियर पैटर्न है, उनकी फीडिंग हैबिट, उनकी ब्रीडिंग हैबिट विद इन हैबिटेट जो स्पेसिफिक है किसी स्पीशीज की, उसे हम नीश कहते हैं। हैबिटेट एक तरह का एड्रेस हो गया, नीश एक तरह का उसका प्रोफेशन हो गया विद इन हैबिटेट, लेकिन जस्ट इंडिकेटिव। कोई भी दो स्पीशीज किसी हैबिटेट में, उनका सेम नीश नहीं हो सकती, और अगर है तो उससे क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगी, और तब तक होगी जब तक एक उस नीश में से हट नहीं, पूरी तरह डिस्प्लेस नहीं हो जाती। एक पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, हर्ब्स, शर्ब्स, ये अलग अलग हाइट्स के हैं, ये इनकी नीश है, जो कौन सा प्लांट किस जगह पर विद इन हैबिटेट ग्रो करेगा। या एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है नीश समझने के लिए, ये वॉबलर की थ्री स्पीशीज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बेगबर्नियन, बेब्रेस्टेड मिर्टल, ये तीनों ट्रीज पर, इंसेक्ट्स पर ही फीड करती हैं, लेकिन अलग अलग हाइट्स पर सब। तो इनमें नेचुरली आपस में कंपटीशन नहीं है, नेग्लिजिबल है, और ये इनका अलग अलग नीश हो गई। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ये जैसे कि फिश है, फिश वाटर में रहने के लिए उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और उसके बिहेवियर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उसको वाटर में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे आप जानते हैं गिल्स हैं ब्रीदिंग के लिए, फिन्स हैं, ये बहुत लंबे टाइम में इस तरह के फीचर्स इवॉल्व हुए हैं और इवोल्यूशन के थ्रू ही इस तरह से फीचर्स आते हैं ऑर्गेनिज़म्स में, जिससे कि उनको अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में आसानी होती है, और इन्हीं को हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन की जेनेटिक बेसिस होती है, दैट मींस थ्रू जीन्स ओवर द ईयर, बहुत लंबे टाइम में जो जीन्स में इस तरह के बदलाव आते चले जाते हैं और जिनमें फेवरेबल
चेंजेस आ जाते हैं, वो एडेप्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में, और इस तरह से वो एडेप्टेशन बनती है। कुछ एग्जांपल्स एडेप्टेशंस की, जैसे आप जानते हैं शेप्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, फेदर्स, विंग्स, एवरग्रीन और डेसीडुअस ट्रीज होते हैं, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थॉर्न्स, कांटे जो होते हैं प्लांट्स में, सब में नहीं देखे आपने, जिनमें होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि वो ब्राउजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्शन देते हैं, ये एडेप्टेशन हो गई। यहाँ पर एडेप्टेशन के को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें चार तरह की बीक्स दिखाई दे रही हैं डार्विन्स फिंचेस की, जो जब डार्विन ने विजिट किए थे गैलापागोस आइलैंड्स, तो वहाँ पर ये बर्ड्स देखी थी, जिनको डार्विन्स फिंचेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप देखें, सीड ईटिंग, लीव्स ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग, अलग अलग तरह का जो फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग इनकी बीक्स की शेप आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट एडेप्टेशन। नाउ अब हम समझते हैं कि एक बड़ा बेसिक टर्म है इकोलॉजी को समझने के लिए, स्पीशीज। एक एग्जांपल लेते हैं कि जो म्यूल होता है, ये प्रोड्यूस होता है फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, यानी स्टालिन और मेयर, उसके ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो म्यूल है, इट इज नॉट फर्टाइल, वो फर्दर संतान पैदा नहीं कर सकता, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो दैट मींस डोंकी और हॉर्स ये सेम स्पीशीज नहीं है। तो स्पीशीज होने के लिए जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है किसी पॉपुलेशन में, सिमिलर पॉपुलेशंस में, तो उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस पॉसिबल होनी चाहिए, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, उसकी जो आगे प्रोड्यूस हो संतान वो भी आगे सक्षम हो अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तब वो ग्रुप सेम स्पीशीज का माना जाएगा। एक स्पीशीज के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में ही देखें तो कितने कलर की स्किन होती है, बहुत फेयर भी और एक्सट्रीम डार्क भी, है ना, मोलेटो भी, बहुत कलर ह्यूमन स्किन के आपने देखे शेड्स। तो ये जो आई कलर ह्यूमन बीइंग में बहुत तरह का है, ब्लड टाइप भी आप जानते हैं, ऐसे ही काउज, डॉग्स, कैट्स वगैरह की शेप्स, साइजेस, इनमें वेरिएशंस हैं, और बहुत सारे प्लांट्स में भी, आप गार्डन पी में जानते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे, तो उसमें कितनी वैरायटीज पाई गई हैं गार्डन पी, जो कि सेम स्पीशीज है, लेकिन उसमें भी टॉल, शॉर्ट, पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, बहुत तरह की वैरायटीज हैं। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं इनको हम कह देते हैं वेरिएशन, ये सब वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, एडेप्टेशन कैसे हो रहा है, आज जितनी बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, या हमेशा से ऐसी है, या ओवर द ईयर्स ऑर्गेनिजम्स के स्टॉक में चेंजेस होते चले गए और अलग अलग स्पीशीज इवॉल्व होती गई, तो ये कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का। आज सभी इस चीज़ को मानते हैं कि इवोल्यूशन होता रहा है और अभी भी हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती रहती हैं, नई स्पीशीज के प्रोडक्शन को हम लोग स्पीशिएशन कहते हैं। इसमें जो बड़ा फेमस थ्योरी है चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वैलेस ने जो दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो बड़ी एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक था, इसमें जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स को उस टाइम इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। जीन्स किस तरह से इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट
पार्ट हैं, ये जब आगे एक्सटेंशन किया गया तो इसी डार्विनिज्म को कहा जाता है। अब जब उसमें जेनेटिक्स ऐड हो गई तब इसको कह देते हैं नियो डार्विनिज्म। इसके जो नियो डार्विनिज्म के मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं कि एक तो हर स्पीशीज में ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओवर प्रोडक्शन का मतलब कि जितना उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं, फूड, स्पेस वगैरह, ये लिमिटेड होते हैं, जितने उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जितने नंबर को, उससे भी ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है हर स्पीशीज़ में, लेकिन उनमें से सभी सर्वाइव नहीं करते हैं और उनमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन रिसोर्सेज की वजह से होते हैं। लेकिन कौन सर्वाइव करेंगे ये डिपेंड करेगा वेरिएशंस पर, और ये कौन से वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिज़म्स इंडिविजुअल्स सर्वाइव करेंगे वो डिपेंड करेगा नेचर पर, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये जो वेरिएशंस हैं ये कहाँ से आए? तो सोर्स ऑफ म्यूटेशन, सोर्स ऑफ वेरिएशंस जो है वो है म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, ये मेन दो रीज़न हैं। म्यूटेशन का मतलब सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन्स। जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई अचानक चेंज आ रहा है और वो हेरिटेबल भी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तब उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर भी जब गैमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस प्रोसेस के दौरान, और दूसरा फर्टिलाइजेशन के दौरान रैंडम फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमीट का, ये सब रिकॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, नए कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। तो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दो ये मेन फैक्टर हैं जो वेरिएशन लाते हैं। फेवरेबल वेरिएशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। ऐसे जीन्स बार बार प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गया वही आगे रिप्रोड्यूस करेगा, उसी की नेक्स्ट जनरेशन और प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह के जीन्स बार बार मोर एंड मोर प्रोड्यूस होते चले आते हैं, इन्हें पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। और इस तरह से जब ये बहुत जनरेशंस तक होता चला जाता है तो ख़ास तरह के वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप का एक ग्रुप इकट्ठा होता है जिसे हम न्यू स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन न्यू स्पीशीज़ फॉर्मेशन जिसे हम स्पीशिएशन भी कहते हैं, ये इतना सिंपल भी नहीं है कि किसी एक पॉपुलेशन में ही नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाए। इसके लिए थोड़ा एक मैकेनिज्म है, एक दो चीज़ें उसमें होनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ज्योग्राफिक आइसोलेशन, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफिक आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन और ये सब चीज़ें अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में भी लीड कर जाती हैं। ये सब कैसे होता है, इस सारे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और स्पीशिएशन की जो एग्जांपल है, हमने एक लाइव एग्जांपल जो कि आजकल भी उसको देखा जा सकता है, दो तरह की जो स्क्वायरल्स हैं, कैबब स्क्वायरल और अबर्ट स्क्वायरल, ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। दैट मीन्स ये दोनों आपस में ब्रीड नहीं कर सकती। तो जो ये कैसे इवॉल्व हुई दो अलग अलग स्पीशीज, साइंटिस्ट का मानना है कि ये दोनों एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुई हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज। और ये ग्रैंड कैनियन के दो साइड पर इनहेबिट करती हैं आजकल।
बायोलॉजिस्ट का मानना है कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ईयर्स अगो जो एक कोलोराडो रिवर है उसका किसी कारण से रास्ता चेंज हुआ और उसने उस स्पीशीज की जो पॉपुलेशन थी जो ओरिजिनल 1 मिलियन ईयर्स अगो पॉपुलेशन थी उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया इस रिवर ने। अब एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड दो तरफ उसके रहने लगे ये स्पीशीज के 2 पॉपुलेशंस। अब इन पॉपुलेशंस को अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट फेस करने को मिला, एनवायरनमेंट दोनों तरफ डिफरेंट था। तो दोनों तरफ जब एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस सिलेक्ट हुए बाय नेचर, क्योंकि नेचर उसी वेरिएशन को सिलेक्ट करेगा जो इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस वर फेवर्ड ऑन ईस्ट साइड ऑफ केनियन और अल्टीमेटली ओवर द ईयर्स बहुत लंबे पीरियड के बाद जेनेटिक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा दोनों पॉपुलेशंस में होते चले गए कि अब दोनों पॉपुलेशंस 2 सेपरेट स्पीशीज बन गई। एक को आप कैबब स्क्वायरल्स कहते हैं, दूसरे को अबर्ट स्क्वायरल कहते हैं। और ये अब किसी तरह इनको आपस में मिक्स भी किया जाए तो दे आर नाउ अनेबल टू इंटरब्रीड, इनमें ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर नाउ डिफरेंट स्पीशीज। कैसे लगते हैं ये देखने में आप देख सकते हैं, कैबब स्क्वायरल और अबर्ट स्क्वायरल दोनों में कितना डिफरेंस है। आप इनकी आंखें देखें, इनके ईयर देखें, इनका टोटल फीचर्स देखें जो आपको दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, इनके बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट हैं। अब इसके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो ये यहाँ पर आपके सामने स्लाइड्स में है कि ये भी होता है कई बार अलग अलग टाइम ब्रीडिंग सीजन होते हैं अलग अलग टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग कुछ मई में ब्रीड करती हैं और कुछ जुलाई में, तो नेचुरली उनमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और भी हैं ये कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, पॉलिनेशन वगैरह में भी होता है। और क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो कंपेटिबल कई बार नहीं होती है पॉलिनेशन की, और कई बार क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स ही मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो एक और एक घटना घटती है एनवायरनमेंट में हमेशा, एक्सटिंक्शन। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज के टाइम में जितनी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं आप, उसे देखकर बहुत फैसिनेट करते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी स्पीशीज हैं, हम सबको कभी काउंट भी नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऐसी बुक, डाटा बुक नहीं बन पाई है जिसमें सभी स्पीशीज अभी जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं उनको एनलिस्ट किया गया हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह, जितनी स्पीशीज अभी हैं उससे कई गुना डिसएपियर हो चुकी हैं, जो अब नहीं हैं, कभी इस अर्थ पर रही होंगी, जिनमें से आप डायनासोर्स की स्पीशीज के बारे में काफ़ी जानते हैं, उनके एविडेंसेस हैं, लेकिन आज कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं, कि जो स्पीशीज जो बेटर सूटेड होती हैं एनवायरनमेंट के लिए वो अपीयर होती रहती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, और लेस सक्सेसफुल फॉर्म धीरे धीरे कम होते होते डिसअपीयर हो जाती हैं। कभी कभी ये सडन फेनोमेनन भी होती है। कॉजेज क्या हो सकती हैं? एक तो एनवायरमेंटल चेंज या
बायोलॉजिकल कंपटीशन। कभी कभी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट में चेंज फास्ट है, लेकिन जो स्पीशीज में जो वेरिएशंस हैं वो उतने फास्ट नहीं हैं कि वो कोप कर पाएं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उतने फास्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। एक्सटिंक्शन कभी कभी नेचुरल बिग कैलेमिटीज होती हैं, जैसे सुनामी या ज्वालामुखी होना, इससे भी एक्सटिंक्शन का रीज़न बन सकता है। या आजकल आप न्यूज़ में सुनते हैं कैलिफोर्निया वगैरह में फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है, या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कई बार होती हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल चेंज। तो ये जो एक चीज़ें हैं, ऑयल स्पिल अभी मॉरिशस के पास में ही सी में जैपनीज टैंकर का बहुत लीकेज हुआ, जिससे बहुत बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो आगे हम लेंगे पॉपुलेशन के बारे में। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। अपना जी
वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस किस कारण से एक्सटिंक्शन होता है, और इसमें नेचुरल भी हैं चीज़ें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की। और लास्ट में मैंने एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल भी दिया था, जो आजकल मॉरिशस के साइड में सी में एक ऑयल स्पिलेज बहुत ज़्यादा हुई है, लाखों लीटर्स जो है ऑयल उसमें लीक हो गया, उसमें जैपनीज टैंकर का, उससे बहुत डॉल्फिन्स भी मर गई हैं, बहुत सारे एक्वेटिक सी के भी एनिमल्स मर गए हैं। तो वो जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मॉरिशस को लॉस हुआ है, टूरिज्म का भी। लेकिन एक्सटिंक्शन का पता कैसे चलता है? फॉसिल्स उनमें से एक वेरी इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के या अदर एनिमल्स के, इवन माइक्रोस्कोपिक भी, या उनके इम्प्रिंट्स भी, जो कि रिमोट पास्ट में, जियोलॉजिकल पास्ट में रहते थे, उनके जो भी हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो कि किसी विशेष टाइम पर एक ज्योग्राफिकल, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में इनहेबिट करते हैं, रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, डिस्पर्सल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, इन सब को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, एक डेफिनेट फिक्स्ड एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं किसी स्पीशीज के, वो उसकी हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट, जिसे हम नेटलिटी भी कहते हैं, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न पर 1000 पर ईयर इन ए पॉपुलेशन। डेथ रेट, जिसे हम मॉर्टेलिटी भी कहते हैं, मृत्यु दर। लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ पर 1000 पर ईयर। डिस्पर्सल में दो तरह के आ सकते हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, अगर किसी पॉपुलेशन का जो रीजन है उस रीजन के बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स मूवमेंट के थ्रू अंदर आते हैं, सेम उस पॉपुलेशन में ऐड होते हैं और लंबे टाइम के लिए, तब उसे इमिग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से इसका अपोजिट एमिग्रेशन, अगर मूवमेंट अपोजिट हुआ है, किसी पॉपुलेशन के रीजन से बाहर परमानेंट बेसिस पर चले गए कुछ इंडिविजुअल्स, तो उसे आप एमिग्रेशन कहते हैं, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने लगती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरह के होते हैं मेनली, प्री रिप्रोडक्टिव, जिसे हम जुवेनाइल भी कहते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, ये चिल्ड्रन एज ग्रुप है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रुप कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यूथ पॉपुलेशन है ये मेनली, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप इनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ओल्ड हो चुका है, उसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, उसका कितना नंबर है पॉपुलेशन में, उस पर डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन का इंक्रीज कितना फास्ट है। आपको शायद पता होगा, इंडिया इस चीज़ के लिए नोन है आजकल, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है
वो किस एज ग्रुप की है आप जानते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन केस है ये। सेक्स रेशो नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स इन ए पॉपुलेशन, इनका जो रेशो होता है इसी को हम सेक्स रेशो कहते हैं। ये एक ग्राफिक है, इसमें बहुत इजीली हम याद रख सकते हैं कौन सी चीज़ डेंसिटी को ऐड करेगी बढ़ाएगी, कौन सी चीज़ डेंसिटी को कम करेगी। नेटलिटी प्लस लिखा है, यानी जन्म दर वो बढ़ाती है डेंसिटी को, इमिग्रेशन बढ़ाता है, मॉर्टेलिटी कम करती है, एमिग्रेशन उसको कम करता है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न होते हैं। अगर कहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, थ्रू रिप्रोडक्शन ही हो रहा है, और इसमें अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड बहुत रिसोर्सेज हैं, फूड और स्पेस की कोई कमी नहीं, तो जो ग्राफ है जे शेप्ड जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, उसमें कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और इसका एग्जांपल आप अगर समझना चाहें तो मानसून सीजन में आपने देखा होगा इंसेक्ट्स की कितनी पॉपुलेशन कितनी फास्ट बढ़ती है। ऐसी एस शेप्ड दूसरा पैटर्न है ग्रोथ का, इसमें शुरू में ग्रोथ स्लो है लेकिन धीरे धीरे वो फास्ट होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो नए ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा नंबर में ऐड होती चली जाती हैं। लेकिन एक टाइम पर आप एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन देख रहे हैं इस ग्राफ में, जिसे कहते हैं मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा है, फूड और शेल्टर और मेटिंग कंडीशंस एट्सेट्रा, ये जब एक लिमिट होती है किसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, जब वो कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचता है तो वो ग्राफ फिर हॉरिजॉन्टल होने लगा, यानी वहां पर फिर इंक्रीज स्लो हो जाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखते हैं कि इतने फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स भी हैं, सी ओशन वगैरह पॉन्ड्स, हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के इकोसिस्टम्स देखते हैं, क्या ये हमेशा से एक से हैं? ऐसा है नहीं। आज कहीं पर बेयर रॉक्स हैं, बिल्कुल कुछ नहीं वहाँ पर ग्रो हो रहा है, हो सकता है आगे फ्यूचर में अब से हजारों साल बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो, डेंस हो। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये एक सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज इनटू अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, इनको एक एक करके लेते हैं। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में ये हो सकता है कि कोई एक लैंड है जहाँ पर कोई मॉइस्चर कंटेंट की कमी है, नेग्लिजिबल है या बहुत मामूली है, वहाँ पर अगर वेजिटेशन धीरे धीरे हो और एक सक्सेशन हो तो अल्टीमेटली वहाँ पर मीजोफाइट्स का ग्रो करेंगे, और इस सक्सेशन को हम ज़िरार्क कहते हैं जो कि बेयर लैंड से शुरू हुआ है। दूसरा होता है कि वाटर से शुरू होगा, वाटर बॉडी से, और आगे चलकर वो वाटर बॉडी नहीं रहेगी, वो भी एक मीजोफाइटिक एक वेजिटेशन हो जाएगी, और इस वाले सक्सेशन को हम हाइड्रार्क कहते हैं। दोनों का अल्टीमेट जो फाइनल चीज़ है वो सेम है, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पर जो एक ज़िरार्क का एक एग्जांपल दिखाया हुआ है,
बेयर रॉक है बिल्कुल, और उस पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जिसे हम पायनियर कम्युनिटी भी कह देते हैं ग्रो करते हैं, लाइकेंस आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं। लाइकेंस में ऐसी एबिलिटी होती है कि फिर ये जब वहाँ पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाए और क्लीन सराउंडिंग हो, पॉल्यूशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते लाइकेंस, और यहाँ पर जब ये ग्रो करते हैं तो इसमें कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे रॉक्स के सॉयल बननी शुरू हो जाती है, पार्टिकल लूज होने लगते हैं, तो उस पर फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स भी आगे चलकर ग्रो होने लगते हैं। धीरे धीरे लाइकेंस कम होते चले आते हैं और फिर ग्रासेस, पेरिनियल हर्ब्स, फिर ये ग्रासेस, श्रब्स, शेड इनटॉलरेंट ट्रीज एंड फाइनली शेड टॉलरेंट ट्रीज, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो ये लेवल्स हैं, आप देखते हैं कि कैसे बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें हम सीयर कहते हैं इकोलॉजी की भाषा में। सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसका बेसिक डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सक्सेशन में जो प्राइमरी सक्सेशन में कोई भी पहले नहीं था, कोई भी इनहेबिट नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, लेकिन वेजिटेशन नहीं थी, लेकिन पहले से कहीं पर कोई कम्युनिटी है और वो ख़त्म हो गई किसी भी कारण से और वहाँ पर नई कम्युनिटी पैदा होगी। जैसे कैलिफोर्निया में आपने सुना है फॉरेस्ट फायर्स बहुत हैं, तो वहाँ पर पहले फॉरेस्ट थे लेकिन वो जलकर ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से वहाँ पर अगर वेजिटेशन ग्रो करती तो ये सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। और ये थोड़ा फास्ट होता है, उसका रीज़न क्या है सेकेंडरी सक्सेशन के फास्ट होने का, क्योंकि वहाँ पर सॉयल फॉर्मेशन का जो टाइम है वो बच गया, जो कि प्राइमरी सक्सेशन में सॉयल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई होती, न्यूट्रिएंट्स खूब होते हैं इसमें, और इस तरह से सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अब इंटरेक्शंस पर आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो ये शो करते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और ये दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, अगर एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में आपस में कोई इंटरेक्शन है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, और इंटर स्पेसिफिक अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में इंटरेक्शन है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो ये कुछ लिस्ट दी जा रही है, एमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, न्यूट्रलिज्म, लेकिन इनको हम एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे होती हैं। एमेंसलिज्म, इसमें आप देखेंगे कि दिखाया हुआ है साथ में ब्रैकेट में 0, -, सिंबल माइनस सिंबल दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 0 मतलब नो इफेक्ट, माइनस मींस नुकसान। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन है कि एक को तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा भी नहीं है एज सच, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, तब इसको एमेंसलिज्म कहते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका पेनिसिलियम, जो एक फंगस होती है, इससे जो सिक्रीशन निकलता है उसे पेनिसिलिन कहते हैं। आप जानते हैं कि एक बड़ा फेमस एंटीबायोटिक, इनफैक्ट पहला एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था। तो ये जो पेनिसिलिन है इससे कुछ तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है, वो मरने लगते हैं, यानी बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और पेनिसिलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एमेंसलिज्म है।
प्रीडेशन आप खूब पहले से जानते हैं कि इसमें कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को किल करता है, फिर उसको खाता है, हंटिंग करता है। जैसे एग्जांपल टाइगर, डियर, यहाँ पर टाइगर जो है प्रीडेटर है, डियर जो है प्रे है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म को प्रीडेशन से हमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा है एक को नुकसान है, लेकिन पैरासाइट यूजुअली उससे छोटा होता है जो होस्ट जिसको ये नुकसान करेगा। दूसरी चीज, उसके बॉडी पर या तो ये उसके ऊपर रहेगा या उसके अंदर रहेगा। तो पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी से अटैच करके रखता है अंदर या बाहर, और पैरासाइट को इसका बेनिफिट होता है क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट वगैरह ले लेता है और दूसरे को उसको नुकसान होता है। एग्जाम्पल कौन सी, जैसे बड़ी फेमस एग्जाम्पल है डॉडर प्लांट कसकटा, जिसे हम हिंदी में अमर बेल भी कह देते हैं। ये कुछ पेड़ों पर आपने हो सकता है लंबी लंबी लटकी हुई देखी होंगे, थ्रेड थ्रेड टाइप के। ये क्या करते हैं, अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर कुछ आउट ग्रोथ्स इनमें से निकलती हैं जो कि उस जो ट्री है उसके स्टेम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, फ्लोएम तक पहुंचती हैं और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और धीरे धीरे उस ट्री को बड़ा नुकसान होता है और कई बार तो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह। तो ये पैरासिटिज्म है, ये प्लांट का एग्जाम्पल है। एनिमल्स में ह्यूमन के जो पैरासाइट्स हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म, मलेरियल पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, आजकल एक वायरस का नाम बहुत सुना होगा कोरोना वायरस, ये भी पैरासाइट है हमारे लिए। तो ये सब पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल है। कॉम्पिटिशन में क्या है, दो, ये दोनों तरह की हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है। ये इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं दोनों को ही नुकसान होता है। जैसे कैट की, मान लीजिए दो कैट हों सेम स्पीशीज और वो माउस को फीड करें, तो माउस के लिए उनमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुई, लेकिन स्नेक भी माउस पर फीड करता है, तो यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक भी कॉम्पिटिशन आई। और स्नेक्स भी अलग अलग स्पीशीज़ के हो सकते हैं, उनमें भी आपस में अगर माउस के लिए कंपटीशन है तो वो भी इंटर स्पेसिफिक होगी। फिर एक एग्जांपल और देखिए, अब एक और टाइप का इंटरेक्शन कमेंसलिज्म। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, रेमोरा फिश। रेमोरा फिश जो है, इसमें फिगर में देख सकते हैं एक शार्क के नीचे चिपकी हुई हैं, इनके हेड पर सकर्स होते हैं जिससे ये शार्क के नीचे या साइड में कहीं पर अटैच कर लेती हैं अपने आप को। उससे इनको फायदा होता है, शार्क जहां जाती है इनका ट्रांसपोर्टेशन फ्री में हो रहा है, और साथ में शार्क जो कुछ खा रही है और उससे कुछ लेफ्ट ओवर कुछ बच जाता है वो इनके पास फ्लो कर कर आ जाता है, तो वो इनको खाने को भी मिल जाता है। तो उसमें ये एग्जाम्पल आपने देखा, ये कमेंसलिज्म है। इसमें शार्क को जो है कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन रेमोरा फिश फिश जो है उसको फायदा है, बेनिफिट है, ये कमेंसलिज्म है। एपीफाइट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स पर, ट्रीज पर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर मॉइस्चर, लाइट वगैरह चाहिए होती है, तो वहाँ तक वैसे वो नहीं पहुँच सकते, तो वो दूसरे किसी बड़े पेड़ों पर ग्रो कर जाते हैं, उससे उस ट्री को कोई नुकसान नहीं। तो ये भी कमेंसलिज्म है, इन प्लांट्स को जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं बिना उसको नुकसान करे, इन्हें एपीफाइट्स कह देते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में आप देखेंगे एक एग्जांपल हमने लिया है कि इसमें दोनों को फायदा है म्यूचुअलिज्म में। जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल देखें आप, सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठी हुई है, तो इससे हर्मिट क्रैब को ये फायदा है कि अपने प्रीडेटर से थोड़ा बच जाती है। कई बार तो बहुत सारी हर्मिट क्रैब्स उसको सराउंड कर लेती हैं, ये बच जाते हैं
प्रीडेटर से, और इसको एनीमोन को फ़ायदा होता है, जहाँ पर भी ये क्रैब जाएगी इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एनीमोन विल बी बेनिफिटेड विदाउट एनी लॉस, और लेकिन प्रॉफिट है यहाँ पर एनीमोन को भी और क्रैब को भी, तो ये म्यूचुअलिज्म है। टर्माइट का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, टर्माइट्स में आप जानते हैं टर्माइट्स वुड खा जाती हैं और वुड में सेलुलोज है, आप सरप्राइज करेंगे टर्माइट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती वुड की, लेकिन टर्माइट्स के अंदर कुछ फ्लैजिलेट्स यानी प्रोटोजोन्स रहते हैं प्रोटिस्टन्स, वो फ्लैजिलेट्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा पोर्शन फ्लैजिलेट्स के काम आ जाता है शुगर का, और ज़्यादातर उसका पार्ट इनको मिल जाता है टर्माइट्स को। न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म का कोई प्रूफ नहीं है अभी तक संसार में, लेकिन क्या है इस टर्म को इसलिए यूज़ किया गया, इसमें दोनों स्पीशीज कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पा रही है किसी भी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको तब टर्म को यूज़ करते हैं जहाँ पर इनसिग्निफिकेंट हो इनका इंटरेक्शन। और थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपने ये काफ़ी एंजॉय किए होंगे टॉपिक्स, और इनमें इनको आपके लिए अवेलेबल हैं आगे भी, इनको बार बार आप देख सकते हैं फर्दर, और मुझे कांटेक्ट करना है तो rajiv.vishnoi5@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक यू।